बोलना। हाँ सर, क्या करना चाहेंगे भोजपुरी फिल्म का शुभ मुहूर्त किया जाए, आइटम सॉन्ग फिल्माया जाए तो बताएंगे किस तरह का सॉन्ग है इसमें? ये एक गाना जो है ना, ये एक्चुअली ये फिल्म है, एक राजनीति पॉलिटिकल फिल्म है और पॉलिटिक्स से मोटिव है। और इसमें ये मेन जो विलेन रहता है उनका ये लड़का है और अय्यास किस्म का आदमी है, और इसके बारे में उसके गाने किए जा रहे हैं उसके। और अब देखिए, हम लोग भोजपुरी को थोड़ा सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं, अब हमारे दर्शक को हाथ में है क्या होता है क्या नहीं होता। जब ये कहानी आपको हाथ लगी, जब ये फिल्म की कहानी जब राइटर ने आपके पास ले गया, तो क्या रिएक्शन लगा, क्या वजह है? थोड़ा सा चेंज करके इसको हम लोगों ने आज के माहौल की फिल्म बनाई है। इस फिल्म में पहले हाफ जो है पिक्चर थोड़ा फ्लैशबैक में है, और जो फ्लैशबैक जो यंग जनरेशन की फिल्म है, ये लोग हैं उनके लिए फिल्म है, और जो पुराने ख्यालात के पहले लोग थे, जो आज से 10 साल पहले जो कहानियाँ चलती थी, किसी के घर किसी के द्वार, कोई गुंडे दादा लोग जब कर लेते थे मिनिस्ट्री, MLA, MP, ये सब जो जबरदस्ती अपने पदों का नजायज़ फ़ायदा उठाया करते थे, और एक फैमिली का है वो, इसी पे मोटिव है वो फिल्म। और जब भी भोजपुरी फिल्में आती है, जिसका एक जो गाना होता है फिल्मों का एक बहुत अहम योगदान होता है पिक्चर को हिट कराने के लिए, इसमें किस नहीं सर, इसमें इस देखिए इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो जैसे कि रोमांटिक गाने होते हैं जैसे 80s, 70s, 80s ये सब की है, और एक्चुअल जो गाने होते हैं हमने लैंग्वेज का फ़ायदा नहीं उठाया है, कि लोकल जो सिंगर्स होते हैं जो वल्गर गाने गाते हैं वो हमने यूज़ नहीं किया। हमारे जो पहले रफ़ी साहब होते वो कहते थे, लता जी गाते थे, रोमांटिक सॉन्ग जैसा है कि जो आदमी को अच्छा लगे देखने से। ये फैमिली फिल्म है, आप माँ बाप भाई बहन सब के साथ में बैठ के पिक्चर देख सकते हैं। इसमें थ्रिल भी है, एक्शन भी है और रोमांच भी कमाल का है इसमें, और एकदम जनरल फिल्म है, एकदम आम आदमी की फिल्म है ये, कि आप अपने पिक्चर देखोगे तो लगेगा कि यार नहीं तो मेरे घर के पीछे होता है, इस टाइप का फिल्म है। अच्छा, लोकेशन की बात करें तो क्या क्या लोकेशन सर? देखिए लोकेशन तो हम जहाँ की बैकग्राउंड सोच रहे हैं हम लोग बनाने की बिहार की, तो बिहार में ऑलमोस्ट है, और कुछ मुंबई में हम लोग कर रहे हैं। जो बिहार में वो बंगले अवेलेबलिटी नहीं होंगे जो हम, क्योंकि हम टेक्निकल ह्यूज फिल्म बनाते हैं, और पिक्चर चलना नहीं चलना सब ऊपर वाले ऑडियंस के हाथ में है। कोशिश तो हम करते हैं कि बढ़िया फिल्म बनाएं उसी। अच्छा, जब फिल्में तैयार की जाती है तो उसके लिए प्रमोशन आज के सर प्रमोशन मायने रखता है? हमने प्रमोशन सर ये क्या है कि सारे आर्टिस्ट को लेके पहले जहाँ की फिल्म बेस है वहाँ पे हम लोग घूमेंगे पूरे आर्टिस्ट के साथ में, उसके बाद प्रिंट पब्लिसिटी और मीडिया पब्लिसिटी तो है ही, और देखिए कहाँ तक सक्सेस है। इसके पहले मेरी 3-4 पिक्चरें जो बनाई वो अच्छी, एक पहली थी सुगना, वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था ऑडियंस के, उसके बाद बनाई रिहाई, वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस था पब्लिक का, उसके बाद कब्जा। अच्छा, स्टार कास्ट की बात की जाए तो क्या? देखिए इसमें स्टार कास्ट क्या होता है कि नया पुराना कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस मेन होता है। इसमें हमने क्या किया है कि पुराने और नए दोनों एक्टरों को लिया है। इसमें जो हीरो है वो थोड़ा सा नया तो नहीं है, पुराना भी नहीं है, लेकिन ठीक है। और इसमें जो विलेन कैरेक्टर है वो भी पुराने हैं, पुराने मतलब कि हमारे भोजपुरी से ही हैं और हिंदी फिल्म करते करते। इसमें मैंने करेक्टरों को ज़्यादा अहमियत दिया है, नॉट एक्टरों का। कोई ज़रूरी नहीं है कि भोजपुरी के सारे एक्टर ले लें, वो हम टाइप्ड फिल्म बनाना नहीं चाहते। इसमें करेक्टर ज़्यादा रोल्स करते हैं इसमें, जैसे इसमें शमशेर सिंह का एक करेक्टर है, तो आपको ये देख के पता चलेगा कि वो आदमी कितना क्रूर है और कितना मतलबी है। दो पार्ट्स है उसके, 20 साल पहले और 20 साल बाद का। और इसमें हीरो भी है, जो फर्स्ट हाफ में हीरो मर जाता है, हीरोइन मर जाती है, फिर उसके बाद ये सब होते हैं, बाकी करेक्टर मेन बेस फिल्म है। कब तक फिल्म बुलानी ये सर? मैं हम सोच रहे हैं कि नवंबर एंड में या तो फरवरी फर्स्ट वीक।